हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी जर्नल एंट्री आपके लिए सिखाएंगे। और ये वो जर्नल एंट्री है जो एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई जर्नल एंट्री 100% फंसेगी। और इन जर्नल एंट्रियों को अगर सीख लिया तो समझ लो कि बीकॉम में अगर कहीं पर जर्नल आ जाता है तो 100% एक एक एंट्री आप सही करके आओगे। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले हम जो दो क्वेश्चन हैं पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये एस एम शुक्ल जी की बुक है और इससे एस एम शुक्ला की बुक है ये। और क्वेश्चन नंबर हम 3 को अब सॉल्व कराते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर पे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है भारती भंडार रांची की पुस्तकों में निम्नलिखित रोज नामचा कीजिए। तो भाई ऊपर लिखेंगे इन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ओके, सबसे ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, आगे नीचे इन द बुक्स ऑफ भारती, ठीक है। और जो डेट कोई दी हुई है वो यहां पर डालेंगे, 2020 दिया हुआ है। इस वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, इस वाले कॉलम में पार्टी कुलर्स लिखेंगे, और यहां पर LF लिखेंगे, यहां पर अमाउंट लिखेंगे, यहां पर भी अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या रहा है, और एक एग्जाम एंट्री हम पढ़ते जाएंगे और आप उसे समझते चलिएगा। देखो लिखा हुआ है अक्टूबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम भी डाल देंगे यहां पर अक्टूबर 1। कह रहा है कि नकद से व्यापार शुरू किया 10,000 रुपए से, ठीक है। देखो 10,000 रुपए से नकद व्यापार शुरू किया है, तो व्यापार में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो जो आए व्यापार में वही डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगा, ये व्यापार में लगा हुआ धन कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है, तो टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओके, कितना 10,000 रुपए से, और यहां पर भी कितना 10,000 रुपए से, एक एंट्री हो गई। यानी जब भी बिजनेस स्टार्ट हो, कैश से स्टार्ट हो तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर से हो तो फर्नीचर डेबिट, गुड्स से हो तो गुड्स की जगह पे परचेज लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। यानी जिससे बिजनेस शुरू होगा वो सारी चीजें डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल को। ये एंट्री यहां पर रट लीजिएगा, ठीक है। अगला है बैंक में जमा किया। अब देखो पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है भाई, बैंक में जमा किया तो सीधे कोई ना कोई बैंक का नाम दिया हुआ है क्या, बैंक में जमा किया, ठीक है, तो नहीं है, तो सीधे लिखेंगे बैंक पाने वाला ऋणी होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट। नरेशन इसकी यही होगी, अगर बैंक का नाम दिया हुआ होता तो यहां पर हम बैंक का नाम लिख देते, जैसे SB स्टेट बैंक में होता तो स्टेट बैंक अकाउंट करके डेबिट होता, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपोजिट एट बैंक, यहां पर लाइन खींच दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और कितना 8,000 और 8,000, ठीक है। इसके बाद में ये 2 अक्टूबर को था, अक्टूबर 2। इसके बाद में है माल नकद खरीदा, ठीक है, तो नकद माल खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और टू, देखो नकद खरीदोगे तो कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गोड्स परचेस्ड, ओके, इस तरह से बहुत सरल जर्नल एंट्री आपको लगेंगी, बस आप उनको देखते चले जाइए। अक्टूबर ये 3 है और अमाउंट कितना है, ओनली 500 है, तो यहां पर भी 500 और यहां पर भी 500। इसके बाद में कह रहा है चेक द्वारा कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। अरे किसी उपयोग के लिए खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर, व्यापार में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और चेक को चेक नहीं लिखते हैं, सीधे कैश लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे विंग फर्नीचर परचेस्ड वाई चेक, यहां लिख देंगे, ओके, यानी चेक से हमने फर्नीचर खरीदा है और जो चेक दिया है वो कितने का है, 500 का है, तो यहां पर लिख देंगे 500 और यहां पर भी 500। और ये जो डेट होगी अक्टूबर कितना होगा, 4 है, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला, ठीक है, तो भाई कितने रुपए निकाले हैं, 900 रुपए निकाले। अब देखो कार्यालय उपयोग के लिए निकाले, ठीक है, तो भाई क्या
कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला, तो हमने क्या है कैश निकाला है, तो सीधे एंट्री हमारे पास में क्या आ रही है, अक्टूबर 10 के लिए कैश हम ले रहे हैं, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक दे रहा, हमने जब बैंक में जमा किया था तो बैंक डेबिट हुआ था, कैश क्रेडिट हुआ था, अब कैश आ रहा है मतलब निकाल रहे हैं तो ठीक उल्टा कर रहे हैं, तो इसकी ठीक उल्टी एंट्री यहां पर ये हो रही है। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला है, कितने रुपए निकाले हैं बैंक से, 900 रुपए निकाले हैं, ठीक है, तो 900 और 900, ठीक है। इसके बाद में आगे है गोपाल को माल बेचा, अब देखो उधार माल बेचा होगा, ये क्वेश्चन है, इसमें हर तरह की एंट्री आई हुई है, गोपाल को माल बेचा है तो भाई उधारी बेचा है क्योंकि नगद लिखा नहीं है, नाम दिया हुआ हो और हो ये माल बेचा तो वो उधार माल होता है, ठीक है, तो गोपाल को बेचा तो भाई पाने वाला ऋणी होता है, तो यहां पर एंट्री होगी गोपाल डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गोड्स सोल्ड टू गोपाल, नीचे लाइन खींच देंगे, और कितने रुपए हैं गोपाल को माल बेचा, 500 रुपए, तो यहां पर डालेंगे 500, यहां पर भी 500, और जो डेट थी वो कौन सी थी 13, यहां पर अक्टूबर 13 है। इसके बाद में है रामा शंकर से फर्नीचर खरीदा, कितने का, 510 का, ठीक है, अब देखो रामा शंकर से फर्नीचर खरीदा, नगद है उधार है, जब नाम दिया हुआ हो तो उधार होता है, तो हमारे पास में क्या आ रहा है फर्नीचर आ रहा है, तो अक्टूबर यही रहेगा और डेट क्या रहेगी 15, भाई रामा शंकर से फर्नीचर खरीदा है तो पहली बात तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, देने वाला धनी होता है रामा शंकर, शंकर से अकाउंट लगा सकते हैं, ठीक है, नरेशन में बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम, नाम लिख सकते हैं, ठीक है, रामा शंकर, कितने रुपए का फर्नीचर है और वो है 510 रुपए का, तो यहां पर 510 और 510, अब इससे नीचे हो सकता है आपको ना दिखे, मैं साइड में एंट्री कर देता हूं, मैं ना दिखूं कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आगे है व्यापारिक व्यय दिया, देखो व्यापारिक व्यय जब दोगे तो यहां पर डेट डालते चलेंगे, यहां डेट, यहां पर पार्टिकुलर्स करते चलेंगे, और यहां पर अमाउंट, और यहां पर अमाउंट साथ में एल एफ का छोटा सा ये मान लेंगे, ठीक है। देखो व्यापारिक व्यय दिए हैं तो डेट कौन सी है, पहले तो यही देखेंगे, अक्टूबर 18 है, यहां लिखो अक्टूबर 18, भाई व्यापारिक व्यय को कहते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, तो एंट्री होगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, कितने रुपए से हमने पेड किया है, 200 रुपए से, तो यहां पर 200 और यहां पर भी 200। इसके बाद में है गोपाल से नकद मिला, भाई अक्टूबर 19 के लिए हमको कैश मिल रहा है, जब कैश मिल रहा है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और देने वाला धनी, तो टू कौन, गोपाल, ठीक, नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल, ठीक है, और 500 रुपए हैं, तो यहां पर भी 500 और यहां पर भी 500 हैं, ठीक है। आगे है 25 के लिए मजदूरी दी, वेजेस पेड है, कितने, 70 रुपए से, तो भाई अक्टूबर 20 के लिए वेजेस चुकाई है, तो जो चुका रहे हैं वेजेस अकाउंट डेबिट और वेजेस देंगे तो क्या जाएगा उसमें, कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड, कितने रुपए, 70 रुपए और 70 रुपए, ठीक है। आगे है रामा शंकर को नकद दिया, अब हम दे रहे हैं तो पाने वाला ऋणी होता है, यानी रामा शंकर डेबिट, और क्या दे रहे हैं, कैश ही तो दे रहे हैं, टू कैश अकाउंट, बहुत जल्दी सीख जाओगे जिस तरह से आप, ये मैं करवा रहा हूँ, इनके रूलिंग हम पहले ही बता चुके हैं, और जो रूलिंग बता चुके हैं आप सर्च कर लीजिए वहाँ पर कि जनरल विद संजीव सर,
ठीक, जर्नल कैसे बनाएं विद संजीव सर, तुरंत आपको निकल करके आ जाएगा और एक ही वीडियो में जर्नल बनाना सीखे, इस नाम से टाइटल है, बहुत अच्छी वीडियो, उसमें सारे रूल्स हैं बताए हुए, ठीक है। और यहाँ पर 510 रुपये है, तो यहाँ 510 और यहाँ पर भी 510, बींग यहाँ पर अमाउंट पेड टू रामाशंकर लिखा जाएगा, बींग अमाउंट पेड टू रामाशंकर, ठीक, लाइन खींच लीजिएगा। इसके बाद में है पूंजी पर ब्याज लगाया, ठीक है, जब पूंजी पर ब्याज लगाएंगे तो क्या होगी एंट्री इसकी, जरा अक्टूबर यहां पर जो था वो कितना था, 28 था, 28 देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है, कितना किया है, 500 रुपए किया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल, ठीक है, और इस तरह से कितना है, 500 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे 500 और यहाँ पर भी 500, और जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, 30 है अक्टूबर, कितना 30, और लास्ट में है कमीशन दिया, देखो कमीशन हम लोग दे रहे हैं, जब दे रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो सीधे अक्टूबर 31 है ना, नहीं 30 ही है, अक्टूबर 30 के लिए कमीशन, COMMISHION कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर मिला होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन होता, कमीशन दे रहे हैं इसलिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड, ओके, और अमाउंट पड़ेगा कितने रुपए हैं, 150 हैं, तो यहां डालेंगे 150 150, बाद में सबका टोटल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट का अगर टोटल करोगे तो इसका आएगा 22,840, आप करके देख लेना, 22,840 ही आएगा, 22,840 आप देख लीजिएगा, एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री हुई, कौन सी वाली हुई है, जर्नल लिखे हुए हैं अभी आपके साथ सामने, और इसके बाद में मैं आपको GST की एंट्री सिखाऊंगा, तो कैसा लगा ये वीडियो, जरूर जरूर लिखिएगा।